सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद तक और सैयदना हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा तक नसब शरीफ में कोई भी सिफाह नहीं गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल रहम मादर में आए उस साल बाँज औरतों को भी खाले के कायनात ने औलाद से नवाजा। सैयदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे दौरान हमल कभी भी हमल की तकलीफ़ न हुई। फरमाती हैं कि दौरान हमल जिस पत्थर पर पाँव रखती वो नरम हो जाता मक्खन की तरह। फरमाती हैं कि जिस कुएं पर पानी भरने जाती पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता, मुझे डोल रस्सी वगैरह की ज़रूरत ना पड़ती। फरमाती हैं कि दौरान हमल मेरे वजूद से खुशबू महकती थी। फरमाती हैं कि दौरान हमल मुझ पर बादल साया करते थे। फरमाती हैं कि दौरान हमल मुझे नबी आखिरुज़्ज़मां की माँ होने की बशारत दी जाती। फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ऐसा नूर निकला कि मैंने मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए।